हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं करिश्मा। कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूं कि इस बरसात के मौसम में आप सभी अपने घरों में सेफ होंगे और अपने घरों में ही रह के इस बरसात का आनंद ले रहे होंगे। हिमाचल इतना खूबसूरत है, बरसात में ये और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। पर आपको पता ही है इस बार हिमाचल में कितनी सारी दुर्घटना हुई है बरसात की वजह से। ये जो आप वीडियो देख रहे हो, ये कालका शिमला का नेशनल हाईवे है। आप देख ही सकते हो कि इस बरसात के मौसम में ट्रैवल करना कितना ज़्यादा मुश्किल है। काफ़ी सारे लोग बरसात में घूमने का प्लान करते हैं, पर मैं उन सभी से यही कहना चाहूँगी कि बरसात के मौसम में कोई भी अपने घरों से बाहर ना ही निकले और घूमने के लिए प्लान ना ही बनाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप इस वीडियो में देख ही सकते हो कि कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है इस बार बारिश से। ये जो तबाही हो रखी है हिमाचल में, मेरा मानना ये है कि इसकी वजह कहीं ना कहीं हम भी हैं। हमने ही अपनी सुविधा के लिए पेड़ काटे, पहाड़ गिराए, हमने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की है, जिसकी वजह से हमें आज ये दिन देखने के लिए मिल रहा है। आप सब जानते ही हैं कि इस भारी बारिश की वजह से हमारा कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो इस नुकसान की भरपाई हमें करनी चाहिए। हम सभी को ये प्रॉमिस करना चाहिए कि हम सब एक पेड़ ज़रूर लगाएंगे। इस बरसात ने हमें बता ही दिया है कि अगर हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो रिटर्न में हमें क्या मिलेगा। कालका शिमला हाईवे का इतना बुरा हाल है कि आप देख ही सकते हो, काफ़ी जगह पूरा रोड ही गिर गया है और कुछ जगह पे सारा पहाड़ का मलबा सड़क में आ गया है। इस वजह से जो रोज़ ट्रैवल करते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, जिसकी वजह से ट्रैवल करने में। आप सभी से यही अनुरोध करती हूँ कि बरसात के मौसम में घूमने मत जाइए कहीं पे भी, अपने घर में सुरक्षित रहिए। Thank you.
आप सभी को मेरी वीडियोस कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपका इस बरसात को लेके आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपने अपने घरों में सुरक्षित रहिए।